नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। महासमुंद नदी चौक घोड़ारी के पास एक बस रायपुर से सरायपाली की ओर जा रही थी। महासमुंद टर्निंग ब्रिज से पहले यातायात पुलिस ने वाहन जांच के लिए कैंप लगाया हुआ था, जहां जवान तैनात थे। वाहनों को रोककर जांच की जा रही थी। इसी दौरान निजी ट्रैवल कंपनी रॉयल की यात्री बस ने वाहनों की जांच कर रहे पुलिस टीम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार रॉयल बस सर्विस की यात्री बस तेज गति से आ रही थी। उसी दौरान अनियंत्रित होकर बस पुलिस द्वारा लगाए गए टेंट को रौंदते हुए दीवार से जा टकराई। इस हादसे में वाहनों की जांच कर रहे पुलिस अमले के 4 सिपाही आ गए। गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्हें खड़ी हुई बस को पीछे से ठोक दिया, तो बस अनियंत्रित होकर हमारे जो चेक पोस्ट उसमें घुस गए। उस दौरान हमारे जो पुलिसकर्मी जो दो बैठे थे वो दो घायल हुए हैं, दो राजस्व कर्मी घायल हुए हैं और 3 जो यात्री जो बस में सवार थे वो घायल हुए हैं। तुरंत उन घायलों को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया है 112 के द्वारा और उनका इलाज चल रहा है। एक की हमारे जो हेड कांस्टेबल घनश्याम भारद्वाज की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनको रायपुर रेफर किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे बस जो थी वो कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, कितने लोग सवार थे? सवारी की गिनती अभी हो नहीं पाई है। बस जो है वो मेट्रो बस है, वो सरायपाली से रायपुर की ओर जा रही थी। डंपर जो था वो किसकी थी, उसकी कोई जानकारी अभी हो पाई? डंपर के संबंध में भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उसमें रेत लोड था, रेत लोड होकर वो भी रायपुर की दिशा में जा रही थी।